वालेकुम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि हमारे पास जो है वो हेलो को क्या कहते हैं, अगर किसी को कम्युनिकेशन करना चाहते हैं चैनल लैंग्वेज में तो किस तरीके से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें, जब भी आप किसी बंदे से मिलते हैं तो लाजमी बात है उसको इसे तो क्या कहेंगे, जैसे हम कहते हैं ना हे, हाय, हाउ आर यू, हेलो, कुछ तो कहते हैं, हेलो कहते हैं, हाय कहते हैं, ठीक है ना, गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड इवनिंग कहते हैं, गुड आफ्टरनून कहते हैं। तो इस तरीके से हम आज बात करते हैं कि क्या कहते हैं इटालियन लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे पहले हेलो, अगर आप किसी बंदे से मिलते हैं तो उसको कहते हैं चाओ, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आप कह रहे हैं हेलो, क्या कहेंगे आप, चाओ। या फिर अगर आप किसी बंदे से मिलते हैं सुबह के टाइम या अराउंड 10, 11, 12 के करीब, तो आप यही कह सकते हैं बोनजोर्नो, ठीक है, बोनजोर्नो। आप चाहें तो चाओ कह सकते हैं या बोनजोर्नो कहें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। बोनजोर्नो गुड मॉर्निंग के यूज़ के तौर पर यूज़ होता है, आपकी मर्ज़ी, ज़्यादातर हेलो के लिए चाओ यूज़ होता है, ठीक है, अदरवाइज बोनजोर्नो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाओ जो है वो बाय के लिए भी यूज़ होता है, अब जब मिलते हैं तो भी चाओ, किसी के साथ जा रहे हैं ना बाय कहने के लिए तो भी चाओ ही कहेंगे, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है, ठीक है। तो हेलो को चाओ और बाय जो है उसको भी चाओ कहा जाता है, और बोनजोर्नो जो है गुड मॉर्निंग के तौर पर यूज़ हुआ जाता है। इसके बाद हम कहते हैं हेलो, उसके बाद हाउ आर यू, ये पूछते हैं किसी से तो सामने वाला बंदा कहता है आई एम फाइन। तो बट यहाँ पे हम कहेंगे इटालियन लैंग्वेज के अंदर कोम स्टाय, चाओ कोम स्टाय, बोनजोर्नो कोम स्टाय, बोनजोर्नो कहेंगे, थोड़ा सा पॉज देंगे, देन कोम स्टाय, ये कहेंगे चाओ, सामने वाला कहेगा चाओ, या कह सकते हैं चाओ कोम स्टाय, तो मतलब हेलो कोम स्टाय, तो सामने वाला बंदा जो है वो बोलेगा चाओ, ठीक है, वो जवाब दे रहा है अपने चाओ का, मतलब हेलो का जवाब देगा चाओ, चाओ। अब उसने जो पूछा आपने हाउ आर यू कोम स्टाय, तो वो आप जवाब देगा इस्तो बेने, योस्तो बेने, योस्तो बेने, या जस्ट ये भी कह सकता है बेने, ओके, ये शॉर्ट फॉर्म में ये भी कह सकता है, जनरली अगर बहुत गलत बोलना तो ये कहते बेन बेने लाइक दिस। तो हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप कहेंगे चाओ, दैट मीन हेलो, और हाउ आर यू कोम स्टाय, तो वो सामने वाला बंदा जो कहेगा चाओ, योस्तो बेने, और कहेगा अब एंड टू, हम कहते हैं एंड यू, तो वो कहेगा एंड टू, तो मतलब और तुम, हम भी कह सकते हैं बेने, ठीक है, तो और तुम कैसे, हम कहते हैं बेने, तो थैंक्स या थैंक यू, ग्रेसिया, और वेलकम को कहते हैं प्रेगो, हम कहते हैं ना योर वेलकम, कोई कहता है थैंक यू, हम कहते हैं योर वेलकम, दैट मीन हम जो भी आपको ग्रेसिया कहेगा तो आप उसको कहेंगे प्रेगो, दैट मीन यू आर वेलकम। तो ये बिल्कुल बेसिक है जो आप कन्वर्सेशन के तौर पर यूज होगी, हेलो हाउ आर यू, चाओ कॉम स्टाय है, यूज तो बैन है, एट टू यूज तो बैन है, लाइक हम कहते हैं ना तू, तो वो कहता है बैन है, जस्ट सिंपल फॉर्म में बैन है कह सकते हो, और थैंक यू को ग्रेसिया कहते हैं और वेलकम को प्रेगो। उसके बाद हमारे पास होता है, हम पूछ सकते हैं अगर कोई सा बंदा होता है, नया बंदा मिलता है तो उसको कहते हैं अच्छा हेलो व्हाट इज़ योर नेम, कभी कभार तो व्हाट इज़ योर नेम को हम इटालियन लैंग्वेज में क्या कहेंगे, इटालियन लैंग्वेज में हम व्हाट इज़ योर नेम को जो है वो कहते हैं कॉमेटी क्यामी, कॉमेटी क्यामी। अब देखें यहाँ पे सी एच जो है ना वो चे नहीं निकलता है, चे को ये सिर्फ सी को कहते हैं चे, ठीक है, और यहाँ पे आएगा कॉमेटी क्यामी, कॉमेटी क्यामी दैट मीन व्हाट इज़ योर नेम, कॉमेटी क्या मैं, हम कहेंगे मैं क्या मी, कॉमेटी क्या मी मीन्स व्हाट इज योर नेम, ओके, नी क्या मो एक्स वाई जेड, नी क्या मो एक्स वाई जेड, अब कहेंगे कॉमेटी क्या मी क्या मो, दैट मीन मेरा नाम जो है माय नेम इज जो भी है एक्स वाई जेड कुमार, ओके, सो लाइक दिस मी क्या मो कुमार, सो लाइक दिस आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इस छोटी सी शॉर्ट वीडियो में ये पता चल गया है कि आप हेलो को चाओ कहते हैं, हाउ आर यू को आप कोम स्टाय कहते हैं, अगर आई एम फाइन है तो आप कहते हैं बेने जस्ट, या यस तो बेने कह सकते हैं, यस तो बेने, और बेने बेने जस्ट जनरली, और थैंक्स को ग्रेसिया कहते हैं, यूर वेलकम को प्रेगो कहते हैं, और कोम स्टाय दैट मीन व्हाट इज कोम स्टाय हाउ आर यू, और अगर व्हाट इज योर नेम को कहें तो कोम चामी मी क्या मो कुमा मी क्या मो एक्स वाई जेड लाइक दिस जो भी आपका नाम है। तो यहाँ तक रखते हैं इस वीडियो को, और आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मज़ीद चीज़ों को, थैंक यू।